तो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं के पांडे और आप देख रहे हैं के फाइनेंस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं धन के कुछ नियमों की। तो चलिए शुरू। दोस्तों, एसेट यानी कि संपत्ति हमारे घर में, आपके घर में या लोगों के घर में बहुत सारी संपत्ति होती है, जिसे बहुत सारा सामान होता है जिसे आदमी संपत्ति समझता है। उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, लेकिन वो एक समय में कबाड़ में तब्दील हो जाती है। और उन संपत्तियों में बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में ऐसे सामान होते हैं जो हमारे जेब से पैसा निकाल रही होती है, और कुछ ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट होते हैं जो हमें हमारे जेब में पैसे डाल रहा होता है। रियल एसेट वो जो हमारे जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटीज़ वो होता है जो हमारे जेब से पैसे निकालता है। जैसे एसेट मैं आपको बताता हूँ, एसेट में FD, RD, म्यूचुअल फंड, स्टॉक यानी कि शेयर, और कुछ ऐसी मशीनरी जिससे हमें इनकम आती है, ये हो गए एसेट। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़। AC, फ्रीज, कूलर, फैन, गाड़ी, 4-व्हीलर, 2-व्हीलर, ये सब होता है लायबिलिटीज़ जो हमारे जेब से पैसे खींचता है। अब बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एक लिमिट पूंजी लेकर चलते हो, उससे प्रोडक्ट के मटेरियल्स लाते हो खरीद के, उससे प्रोडक्ट बनाते हो, और उस प्रोडक्ट को बेचने पे जो कैश आता है वो वापस उस कैश का हम मटेरियल खरीद कर लाते हैं और वापस फिर बिकता है, तो ये राउंडिंग होता रहता है। इसको बोलते हैं कैश फ्लो, यानी कि हमारे पास पूंजी कितना है। अब बात करते हैं कैपिटल गेंस क्या होता है। कैपिटल गेंस, किसी प्रोडक्ट को हम सस्ते में ख़रीदते हैं या कोई मटेरियल को सस्ते में ख़रीदते हैं, उससे एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद उसको हम महंगे में बेचते हैं। जितने का हम प्रोडक्ट का मटेरियल लाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद जो हमें प्रॉफिट होता है उस पर, उसको बोलते हैं कैपिटल गेंस। अब होता है कर्ज, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अच्छा कर्ज और एक होता है बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो होता है जैसे हम लोन लेकर किसी बिजनेस में लगाते हैं, लोन लेकर कोई मकान खरीदते हैं, और वहाँ से जो इनकम आती है, किराया आता है या प्रॉफिट आता है, वो होता है अच्छा कर्ज, हम उसको अच्छा कर्ज कह सकते हैं। एक होता है बुरा कर्ज, जो लोन लेकर हम 4-व्हीलर गाड़ी खरीद लेते हैं, लोन लेकर कोई लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं, लोन लेकर कोई मर्सिडीज़ खरीद लेते हैं, लोन लेकर कोई ऐसा वस्तु खरीद लेते हैं जो आरामदायक होता है, उसको हम कह सकते हैं लग्जरी। ये कर्जे नहीं होने चाहिए, ये बुरा कर्ज है। तो आप समझ गए होंगे अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अब होता है सेल्फ इन्वेस्टिंग डिसीजन। सेल्फ इन्वेस्टिंग डिसीजन में आता है जैसे आप किसी बैंक में जाते हो या किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हो या कहीं भी जहां दूसरा हमें प्रपोज कर रहा होता है कि आप ये काम कर लो, आप यहां पैसे इन्वेस्ट कर लो। तो हमें यदि नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। वो हमारा ज़्यादातर डिसीजन गलत होता है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए बता रहा होता है। हमें यदि कोई ऐसी राय दे तो हम तसल्ली से उसकी इंक्वायरी करके, उसके बारे में जांच पड़ताल करके, किसी जानकार आदमी से पूछ के या उसके बारे में अच्छी नॉलेज लेकर फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें यहाँ निवेश करना है या नहीं करना है। वॉरेन बफेट कहते हैं नेवर लूज मनी, अपने पैसे कभी मत गंवाओ। और जो आप सेविंग करते हो, उस पैसे को यदि जल्द से जल्द किसी अच्छे जगह पे यदि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो महंगाई दर के हिसाब से आपके उस बचाए हुए पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द
अच्छी जगह अपने बचाए हुए पैसे को निवेश कर देना चाहिए जहां 10% प्लस रिटर्न आता रहे। अब हम बात करते हैं धन के पांचवें नियम की, जो बहुत ही जरूरी है हर इंसान के लिए। धन का पांचवा नियम कहता है कि आपकी जो इनकम आ रही है, आप जो कमा रहे हो, आपका जो सेविंग है, उसमें से 10% मिनिमम निकाल के अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इससे इसमें नीति और नियम बनाकर कंटिन्यू इसको जारी रखना चाहिए। इस पे हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता रहता है और हम एक समय में 25-30 सालों में फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाते हैं, एक अच्छा अमाउंट जोड़ लेते हैं। उसके बाद बाय चांस हमारा शरीर काम करने योग्य नहीं रहा तो भी वहाँ से इतनी इनकम जनरेट होती रहती है कि हम आराम से अपने फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं। ये काम जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को, धन के पांचवें नियम को ज़रूर अपनाना चाहिए अपने जीवन में। धन का एक नियम कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो अचानक अमीर बनना चाहता है। धन का एक नियम और कहता है कि इसके माध्यम से जो असंभव या हद से अधिक आमदनी इसे हासिल करना चाहता है या रूमानी इच्छाओं के तहत इससे आमदनी प्राप्त करना चाहता है, धन उसके जीवन से भी दूर चला जाता है। धन कहता है कि आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए 2-4 लाइनों को मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, हजारों साल पुराना अमेरिका रहस्य। दोस्तों, अमेरिका में हजारों साल पहले एक अरकांत नाम का आदमी था जिसने अपने पुत्र को एक शिक्षा दी थी कि बेटा, तुम अपने जीवन में जो भी कमाओगी उसमें से हर महीने कम से कम 10% रुपया निकाल कर किसी अच्छी जगह पे सूझबूझ के साथ 35-40 सालों तक कंटिन्यू निवेश करते रहना, इससे तुम 100% रिच आदमी बन जाओगे। ये है वो हजारों साल पुराना रहस्य। जॉर्ज एस क्लासन ने अपनी किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी में इस बात का जिक्र किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से किताब मंगवा कर पढ़ सकते हो और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करके इस वीडियो के माध्यम से, उस किताब के माध्यम से आप सबको फाइनेंशियल नॉलेज सिखा सकते हो। हमारे देश में फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है और हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग आदमी को मैं फाइनेंशियल नॉलेज देकर एक निवेशक बनाना चाहता हूँ जो दुनिया के अच्छे अच्छे कंपनियों में निवेश करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ये दुनिया हर अच्छी बात का पहले बहिष्कार करती है, फिर उसका मजाक उड़ाती है और आखिर में स्वीकार कर लेती है। यदि आपको ये, आप ये ज्ञान किसी को दे रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहा है, तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि 10 में से यदि एक व्यक्ति भी सीख लेता है तो हमारा जो मिशन है इस देश को गरीबी मुक्त बनाने का, उसमें हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा मिशन जो है इस वीडियो के दौरान इस देश से गरीबी को उखाड़ कर फेंक देना और इतिहास के काले अक्षरों में लिख कर किसी लाइब्रेरी में सजा कर रख देनी। आई होप कि आप हमारा साथ देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।